एनएससी के कोलोकेशन मामले की, जहां पर कोलोकेशन घोटाले मामले में गिरफ्तार एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामाकृष्ण को 7 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि चित्रा और आनंद सुब्रमण्यम की आमने सामने बात करवाई गई, लेकिन चित्रा रामाकृष्णन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर चलिए अब चलते हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ, जो इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल कर आ रही है इस केस से जुड़ी, वो बताइए। 7 दिन की पुलिस हिरासत में चित्रा रामाकृष्णा को भेज दिया गया है सीबीआई कोर्ट के द्वारा। दरअसल सीबीआई ने 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। सीबीआई का कहना था कि जब आनंद सुब्रमण्यम को उनके आमने सामने बिठाया गया तो उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बल्कि हमें एक और बात बताई गई, वो ये है कि करीब 2500 मेल्स हैं बिटवीन दी एक्यूज्ड एंड चित्रा रामाकृष्णा, और जो बाकी एक्यूज हैं उनके बारे में भी पूछताछ होगी। एक और चीज़ जो पूछताछ होनी है वो ये है कि जो पूरा टेन्योर था वहाँ पे, चित्रा रामाकृष्णन का कहना था कि जो निचले लेवल के एम्प्लॉयज CTOs हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन CBI उसको भी प्रोब करना चाह रही है कि वो MD और CEO थी। और रही बात एक योगी की थ्योरी, CBI के समय कह रहा है कि वो योगी कोई और नहीं था, बल्कि ये पूरे प्रोब को डीरेल करने के लिए कहानी रची गई, तो इसमें भी और बातें निकल के आएंगी आगे आने वाले समय में।